Would you like to see some of the best cafes in Aund? Hi everyone, my name is Rutuja और इस वीडियो में मैं आपको आउंद के कुछ बेहतरीन कैफेज दिखाने वाली हूँ। So, हो सकता है कि आप recently आउंद के पास shift हुए हो या आपका office आउंद के पास आ गया है। Maybe आपके friends वहाँ रहते हैं या maybe आपके gym या pilates class के बाद आपको एक refreshing drink चाहिए या अभी Valentine's Day बहुत नज़दीक आ रहा है guys। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि आपके special इंसान को कहीं लेके जाएं जो आउंद के पास रहते हैं probably। So, वजह चाहे जो भी हो, आपको चाहिए होगा आउंद के या आउंद के पास आउंद के कोई कैफे। So, इस वीडियो में वो कैफे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फिर जो आउंद के फेमस आउटलेट्स हैं जैसे कि स्टारबक्स, कैफे पीटर, सीसीडी, इनके बारे में मोस्टली लोग तो जानते हैं, सब जानते हैं। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आउंद के कुछ ऐसे कैफेज में जाऊँ जो जिनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, बट मे बी उनकी थीम स्पेशल है, उनके बारे में कुछ खासियत है। वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो, बैठ के चिल कर सकते हो, थोड़ा शांति महसूस कर सकते हो। तो उन कैफेज को एक्सप्लोर करना ये मेरा मोटिव है। बिसाइड्स जिन कैफे में हम आज जाने वाले हैं, उनमें से सारे कैफेज़ को मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, तो इन कैफेज़ को मैं आपके साथ अभी एक्सप्लोर करने वाली हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, प्लस आई गेट अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, सो ये मी। सरजा स्ट्रीट या सरजा रोड भी इस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर पे जहाँ से आप टर्न लेते हो आउंद के लिए अंदर, वहाँ पे एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा होटल है जिसका नाम है सरजा। तो इस स्ट्रीट की खासियत ये है मेरे हिसाब से कि यहाँ पे आके आपको मस्त लगेगा, बहुत शांति होती है एंड कहीं ना कहीं थोड़ी सी केपी वाइब भी आपको इस स्ट्रीट में मिलेगी। हमारा पहला कैफे है कैफे ओल्ड स्कूल, ये गोल्ड्स जिम और कल्ट फिटनेस के सामने है। कैफे गोल्ड स्कूल में बैठ के अपने हॉट चॉकलेट का लुत्फ उठा रही हूँ। और जैसे कि आपने देखा कि ये जगह काफ़ी स्पेशियस है, सो आप फ्रेंड्स के साथ बैठ के आराम से यहाँ पर चिल कर सकते हो। ऊपर इनके पास वॉशरूम्स भी हैं और सबसे खास बात इनके पास खाने के हेल्दी ऑप्शंस हैं। सो अगर आप सोशलाइज करना चाहते हो बट आप थोड़ा सा वरीड हो के पता नहीं कुछ ज़्यादा ना खा लूँ, तो दिस इज़ अ गुड प्लेस फॉर यू। हाउएवर इनके पास वाईफाई नहीं है, सो ये वाईफाई प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो अगर आप सोच रहे हो कि बैठ के काम करो, तो अगर आप नेटफ्लिक्स जा रहे हो तो श्योर वाई नॉट, बट थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पे लोग मिलते हैं ज़्यादा, सो इट्स थोड़ा रश रहता है, तो शांति होगी कि नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं दे ओल्ड स्कूल में एक बहुत ही फिलिंग सा हॉट चॉकलेट पीने के बाद हम जाने वाले हैं मेरे एक बहुत फेवरेट जगह पे जिसका नाम है सैम्स कैफे। तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपने सैम्स कैफे के बारे में पहले सुना होगा। फाइनली लेट्स गो। Thank you.
दोपहर के टाइम आके यहाँ पे काम करना चाहो तो बिल्कुल आ जाओ यार, काम हो जाएगा। क्योंकि वीकडेज पे तो मैं काफ़ी बार आई हूँ, दोपहर के टाइम इतनी भीड़ नहीं होती। सो गो फॉर इट। हाउएवर दे डू नॉट हैव वॉशरूम, सो अगर पी करना है तो भागो नहीं और जाओ। और इनका मेन्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो जैसे कि आपने देखा होगा, इनके पास जिम फ्रीक्स के लिए एक अलग सेक्शन है। बिसाइड्स दे हैव सैलड्स, वेज, नॉन वेज बोथ, एंड ड्रिंक्स में भी इनके पास काफ़ी ऑप्शंस है। सो यू हैव अ ग्रेट टाइम हियर एंड गेट सम ग्रेट फूड एज वेल। स्ट्रॉन्ग सारे कैफेज एकदम एक ही स्ट्रीट पे एक ही लाइन में है। इट्स एन एब्सोल्यूट ट्रीट फॉर मी। आई गेट ऑल द कॉफी दैट आई वांट एंड आई रियली डोंट नीड मच। आई रियलाइज्ड द कैफे जहां हम जाने वाले हैं, इट लुक्स वेरी ड्रीमी, इट्स ब्यूटीफुल। इट्स कॉल्ड केक डियर बाय हर्षिता एंड वो क्रोमा के बिल्कुल सामने है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो देयर एंड शो यू अराउंड। मैं थोड़ा सुबह उठ के जल्दी आई हूँ, फिर भी 12:15 हो गए हैं, बट काफ़ी कैफेज अभी खुले नहीं हैं। सो अगर आप सोच रहे हो कि थोड़ा जल्दी उठ के आओ, तो फिर भी थोड़ा गूगल पे एक बार देख लो कि कौन सा कैफ़े ओपन है कौन सा नहीं, क्योंकि लगता है औंध में लोगों की नींद थोड़ी देर से खुलती है। सो अगला कैफ़े जहाँ हम जाने वाले हैं वो है अर्बन बिस्ट्रो। इट्स ब्यूटीफुल एंड आई कांट वेट टू गो washroom here, but they do provide Wi-Fi, so
a good place to sit and work if you want to feel warm and still get the work done for a longer period of time if you want to work. So this is a good place. And yeah, jo bahar ki seating hai, that's very cute. So feel free to bring your date here. हमारा अगला स्टॉप है थर्ड वेव कॉफी. नाउ लेट मी वॉर्न यू, यहाँ पे पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आप कब जा रहे हो. लेकिन इस कैफे की खासियत ये है कि ये क्रॉसवर्ड से बिल्कुल कनेक्टेड है. सो इफ यू वांट टू गिव योरसेल्फ अ नाइस ट्रीट, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योरसेल्फ, मे बी गो पिक अप अ बुक और यू नो जस्ट हैव फन इन योर ओन वे, सो दिस इज अ ग्रेट कैफे फॉर यू. अनफॉर्चुनेटली उनकी पॉलिसी के वजह से हमें पूरे कैफ़े का यू नो पूरे कैफ़े को रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं मिल पाई. बट लेट मी टेल यू द कॉफ़ी इज़ ग्रेट एंड ऑफ कोर्स यू कैन यू नो पिक अप अ बुक एंड सिट एंड रीड एंड हैव अ गुड टाइम देयर. दे हैव गुड फूड मेन्यू एज वेल एंड दे हैव अ कॉमन वॉशरूम फॉर क्रॉसवर्ड एंड थर्ड वेव कॉफ़ी एंड दे डू प्रोवाइड वाईफाई. इट्स क्रॉसवर्ड सो वो तो बनता ही है. सो बैठ के काम करने के लिए बेहतरीन जगह है एंड अगर आप वीकडे पे आते हो तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा शांति मिलेगी. सो आपका काम अच्छे से हो सकता है. इफ़ योर फ्रेंड्स आर नर्ड्स यू कैन हैव अ ग्रेट टाइम हियर विद देम एंड यू नो ऑल इन ऑल अ गुड प्लेस. बट जैसे यू नो एज़ कम्पेयर टू द अदर कैफेज दैट वी हैव बीन टू, वहाँ पे ज़्यादा शांति थी बाहर भी. ये रोड ज़्यादा रश वाली है तो बाहर आके आपको इतना अच्छा मे बी नहीं लगेगा, बट अंदर आई एम प्रिटी श्योर यू विल हैव अ गुड टाइम. क्रॉसवर्ड और थर्ड वेव के पास ही देयर इज़ अ बिग आउटलेट ऑफ स्टारबक्स. सो अगर आप स्टारबक्स कॉफ़ी के फ़ैन हो सो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए. ऐसी एक ऐसी जगह है जो आपके और आपके फ्रेंड्स के लिए बेस्ट है, वो है चाय कट्टा. जैसे कि आपने देखा कि इनके मेन्यू में ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं और काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी है, बैठने के लिए जगह भी बहुत बड़ी है. सो अगेन ग्रेट प्लेस अगर आप दोस्तों को मिलना चाहते हो. अगर आप अपने दोस्तों को फ्रीक्वेंटली मिलते हो बट यू वरीड यू स्पेंडिंग टू मच, दिस इज द प्लेस फॉर यू. डोंट स्टॉप सोशलाइजिंग, जस्ट फाइंड द राइट प्लेस. अब हम जाने वाले हैं उस कैफे में जहाँ पे जाने के लिए मैं बहुत महीनों से एक्साइटेड हूँ बट कभी जाने का मौका नहीं मिला है. थैंक्स टू यू ऑल दैट आई कैन विजिट दिस कैफे. इट्स कॉल्ड टू गुड.
they provide Wi-Fi, they have a few washrooms, so most of the needs will be met here. And there are public places where you can get out of the way back. बहुत अच्छी जगह है, डेट पे आना चाहते हो और अगर खास करके आपका डेट थोड़ा सा फूली है या आपकी ही डेट थोड़ी सी फूली है तो डेट इन्जॉय करो एंड दिन के टाइम पर ये आपको जितना अच्छा लगता है रात को भी जितना ही सुंदर लगता है लाइटिंग एंड एवरीथिंग सो इट्स अ परफेक्ट. सो अगली जगह जहाँ हम जा रहे हैं उसका नाम है द ब्लू प्लेट. लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि क्या मिलेगा वहाँ खास. काका हलवाई के बहुत ही नजदीक एक कैफे है सब कल्चर करके विच लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग द सीटिंग एंड एवरीथिंग एंड आई कैन नॉट वांट टू गो इन. अगर आप वेस्ट एंड जा रहे हो तो वेस्ट एंड में आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे जैसे द टी ट्रेल्स है, कॉफ़ी बीन एंड टी लीव है और गुड लक का छोटा बाइट है. ऐसे काफ़ी ऑप्शंस आपको मॉल में या मॉल के आसपास मिलेंगे लेकिन ये सब कल्चर भी मॉल के पास में है. सो इफ यू आर कमिंग आउट एंड वांट टू ग्रैब अ बाइट दिस इज अ गुड प्लेस. सो ये था हमारा आज का वीडियो. मुझे उम्मीद है कि आपने इसे इन्जॉय किया हो, ये कैफ़ेज़ देख के आपको अच्छा लगा हो. अगर आप ऐसे पर्सन हो जो इनिशिएटिव नहीं लेते हो कुछ प्लान करने की तो मुझे उम्मीद है कि ये देख के आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल गया हो कि यार हाँ चलो अच्छी अच्छी जगह जा सकते हैं, इन्वाइट करो अपने फ्रेंड्स को, लेके जाओ उनको, वो भी खुश हो जाएंगे.
और इस वीडियो को प्लीज़ एक बड़ा वाला थम्स अप दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ज़रूर, और अगर कोई सजेशंस है, रिकमेंडेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए मेरे चैनल की लिंक को सब्सक्राइब कीजिए। And I'll see you all super soon. Till then, you stay safe, stay happy, and stay blessed. Much love.